5 देखिए, एक्चुअल में यह क्वेश्चन जो है ना अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग साइन को प्रकट करेगा। यहाँ पे देखो मोड में है x प्लस टू, तो अगर मैं बात करूं x का वैल्यू अगर मैं दो से छोटा माइनस दो से छोटा लू तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आपको पता है ना मॉडुलस फंक्शन के बारे में, अगर मैं बात करूं मोड x प्लस टू की तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कि भैया ये x प्लस टू होगा कब, जब x जो होगा माइनस दो से छोटा या माइनस दो के माइनस दो से बड़ा या माइनस दो के बराबर होगा। ठीक है, और इसका हम लोग माइनस का x प्लस टू कब लेते हैं, निगेटिव में कब लेते हैं, जब x का वैल्यू माइनस दो से छोटा हो, माइनस दो से छोटा या उसके बराबर हो। समझ गए ना, तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग अंतराल हमें लेने होंगे, तो चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि इसे मैं अगर एफ एक्स मान लू या ऐसे रहने दू, एक्स प्लस मोड एक्स प्लस टू जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर होता है कब, जब एक्स का वैल्यू एक्स लाई करता है आपके किसके किस कहाँ थे, तो एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे कह सकते हैं एक्स एग्जिस्ट करता है, बिलोंग्स करता है आपके माइनस फाइव से टू अंतराल में, तथा मोड एक्स प्लस टू का वैल्यू जीरो से छोटा या जीरो के बराबर होता है जब x बिलोंग करता है माइनस टू से फाइव में। ठीक है, तो दो अलग अलग इसमें अंतराल मिल रहे हैं ना, तो वही जो मैंने प्रॉपर्टी थ्री बताई थी ना उसी का उपयोग करेंगे यहाँ पे। माइनस फाइव टू फाइव मोड में दिया है x प्लस टू, इंटीग्रेशन है x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस फाइव टू माइनस टू, और इसके बीच में क्या होता है, जीरो से छोटा होता है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ इंटरवल उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे ये जीरो से बड़ा होगा माइनस टू से फाइव के बीच में, और यहाँ जीरो से छोटा होगा या जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस फाइव से माइनस टू के बीच ये क्या होगा, जीरो से छोटा होगा आपका या जीरो के बराबर होगा, है ना, जीरो से छोटा यानी निगेटिव एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, और प्लस माइनस टू से फाइव के बीच में, देख लो माइनस टू से फाइव के बीच में ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लेंगे एक्स प्लस टू डी एक्स, मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे ठीक किया था, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था। देख लो माइनस फाइव से माइनस टू के बीच अगर देखू तो ये निगेटिव होगा, देख लो यहाँ पे माइनस दो से छोटा के लिए ये निगेटिव होगा, माइनस दो से छोटा के लिए यहाँ बात हो रही है या उसके बराबर के लिए। चलिए, तो यहाँ पे अब सिंपली आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन पहले कर देना होगा। तो इंटीग्रेशन x का x स्क्वायर बाई टू और x का 2x होगा, और लिमिट है माइनस फाइव से माइनस टू, प्लस यहाँ पे देखो x स्क्वायर बाई टू प्लस में 2x और लिमिट है माइनस टू से फाइव। समझ गए ना, अब चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। माइनस अंदर क्या हो जाएगा, माइनस दो का स्क्वायर बटा में दो और प्लस दो गुना माइनस दो, माइनस पांच रखना है तो माइनस पांच का स्क्वायर बट्टा में दो और प्लस दो गुना में माइनस पांच, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब चलिए इनको रखता हूं प्लस में यहाँ पे क्या होगा, पांच का स्क्वायर बट्टा में दो और प्लस दो गुना पांच। ठीक है, और फिर आपको माइनस दो रखना है तो माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका माइनस दो का स्क्वायर बट्टा दो और प्लस में दो गुना माइनस दो। ठीक है, चलिए आगे अब सॉल्व करते हैं, अंदर देखो क्या होगा, तो यहाँ चार बट्टा दो कट के दो आ जाएगा और यहाँ माइनस का चार। ठीक है, फिर माइनस है यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, पच्चीस, पच्चीस और बट्टा में दो और यहाँ आएगा माइनस का दस, तो ये बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे चलिए प्लस का यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, पच्चीस बट्टा दो प्लस में दस और फिर यहां पर क्या होगा, माइनस दो आ जाएगा ना, और यहां देखो ये माइनस का चार होगा और ये माइनस, तो प्लस का चार हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए अंदर क्या होगा, दस दो बारह, बारह में से चार गया तो 12 में से आपका 4 जाएगा 8 आ जाएगा, तो माइनस का 8 और प्लस का 25 बट्टा 2, प्लस 25 बट्टा 2, यहाँ देखो आपका ये घटेगा 8, 8 और 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। चलिए तो आगे सॉल्व कर लेते इसे, तो 25 बट्टा 2 ये 25 हो जाएगा और आपका ये 12 में से
आठ गया तो आपका चार आ जाएगा, यानी कि 29 यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।